क्या वजह है कि उनका बेटा जो अपनी पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं कर सका है वो आज यहाँ आपके बीच मौजूद है? क्या वजह है कि मैंने अपना बचपन अपने बाप को जेल में मिलते हुए गुजार दिया? क्या वजह है कि आज मेरी माँ जो मेरे चार छोटे भाइयों को छोड़ के आज गली गली गांव गांव टहल रही है, घर से बाहर निकली है मेरी माँ? तो इन तमाम वजहों को आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। वजह मैं बताता हूँ आपको, वजह ये है कि जब से मेरे वालिद साहब ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया तब से लेके आज तक उन्होंने इस शहर में और इस मंडल में कभी भी सांप्रदायिक ताकतों को सर उठाने का मौका नहीं दिया। आज के नौजवानों को तो शायद न याद हो मगर इस इलाके के तमाम बुजुर्गों को वो दौर याद होगा जब दो साल दो साल पे यहाँ दंगे हुआ करते थे और तमाम नौजवानों को जेल में डाल दिया था। जगह नहीं, बाद में चले जाना। कारोबार में लोग पिछड़ जाते थे, वो कामयाबी की ओर अपना कदम नहीं बढ़ा पाते। इसलिए मेरे वालिद साहब ने यहाँ पे दंगों को खत्म करके सबको कामयाबी की ओर और कारोबार की ओर आगे बढ़ने के लिए वो किया जो कि किसी के बर्दाश्त में नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मां पूरा चप्पल ऊपर कचरे जा रहा कि आपके वालिद को बाहुबली कहा जाता है। मैं बड़ा हंस के मुस्कुरा के उसका एक जवाब देता हूँ कि हमारे इस्लाम में और हर धर्म में ये कहा गया है कि अगर कहीं किसी मजलूम के साथ, किसी पिछड़े के साथ, किसी सताए हुए के साथ कुछ गलत होता देखो तो उसको आगे बढ़ के रोको। अगर हाथ से रोक सकते हो तो रोको, अगर इस काबिल नहीं हो तो उसको जबान से बुरा कहो, और अगर इस भी काबिल नहीं हो तो उसको दिल में बुरा कहो। तो आप सब ने जो ताकत मेरे वालिद साहब को नवाजी थी उसकी वजह से वो हमेशा यहाँ पे तमाम गरीबों की मदद करते आए। ये काम एक बाहुबली का नहीं, ये काम एक नेता का। इस नाजुक घड़ी में मैं आपसे सिर्फ इतनी अपील करना चाहूंगा कि आप अपने बेटे का, अपने भतीजे का, अपने भाई की इज्जत का ख्याल रखिएगा। आप लोग एक एक आदमी अतीक अहमद बन के 11 तारीख को निकल जाइएगा और टीवी के सामने वाला बटन दबा के ये बता दीजिएगा कि अब ये सरकारें अकलियत को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकती। तमाम पिछड़ों और दलितों का आज समर्थन मेरे वालिद साहब के साथ है, लिहाजा आप लोग 11 तारीख को उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जेल में उनको वो ताकत दीजिएगा कि हाँ उनको लगे कि मैंने अपने 30 साल में अगर कुछ किया है, अगर गरीबों और मजलूमों की मदद की है तो आज भी शहर की आवाम मेरे साथ है और मुझे मजबूत करके वो एक कड़ा संदेश सांप्रदायिक ताकतों को देना चाहती है।